आप देखेंगे कवच वाले मॉन्स्टर को। भागो, भागो। कितने अच्छे हो जो तुमने मेरे लिए स्पेस पॉड भी बनाया। तो तुम्हारा बॉस कौन है? तुम्हारा पुराना दोस्त एजुजु। मैं अच्छे से समझ गया हूँ, मैं तैयार रहूंगा। कुछ ही देर में वो आ जाएगा। मुझे माफ करना बोबो बॉय। तुम उसी पोस्ट कार्ड से खेल रहे हो जो तुम्हारे डैड ने पोस्ट किया। लगता है तुम्हें उनकी बहुत याद आ रही है। बिल्कुल दादू, हमें मिले हुए कितना वक्त बीत गया। बेचारा बोबो बॉय, ये अपने मॉम डैड से कितना दूर है। कोई बात नहीं, मुझे यहाँ रहकर भी मजा आता है। दादू है, तुम हो, दादूलाल कितने अच्छे हैं। लगता है तुम्हें मुझसे कुछ काम है। दादूलाल, इसे चिढ़ाना बंद कीजिए। और जो भी हो, मेरे सारे दोस्त यहाँ हैं। हाँ, इमरजेंसी, यहाँ मिलो। हाँ, ये किसने भेजा होगा? दूसरों ने भेजा होगा। ठीक है दादू, मैं अब चलता हूँ, हम जल्दी मिलेंगे। ठीक है, जल्दी मिलेंगे, आराम से जाना बेटा। ओके। कैसे हो दोस्तों? हाय बुबू बॉय। आखिर इतनी क्या जरूरी बात है, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है बोबो बॉय? क्या, मैंने बुलाया? मैंने कब बुलाया? तुम लोगों ने मुझे बुलाया है। बिल्कुल नहीं, तुमने ही तो हमें यहाँ पर बुलाया है। नहीं, मैंने नहीं बुलाया। हाँ? अगर तुमने हमें नहीं बुलाया तो फिर किसने बुलाया? शायद फेंग ने, क्योंकि सिर्फ वही यहाँ पर नहीं आए। मैंने तुम्हें वो मैसेज भेजा था बोबो बॉय। वो मैसेज भेजा था। ई, लगता है फिर से इसे बदमाशी सूझी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोबो बॉय? तीन मिनट बोबो बॉय, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं। बिल्कुल, हम यहाँ शांति के मिशन पर हैं। हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हें एक चेतावनी देने आए हैं। चेतावनी? कैसी चेतावनी? ये चेतावनी कि इजोजो यहाँ आने वाला है। इजोजो? वो पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, और वो हम सबसे बदला लेना चाहता है। कितना डरावना है, मैं नहीं चाहता पिछली बार जैसा हो। हालांकि हम लोग दुश्मन हैं, पर इस बार हमें साथ काम करना होगा बोबो बॉय। मैं नहीं चाहता कि प्रोब के साथ फिर से वैसा ही हो। आप कितने अच्छे हैं बॉस। हम इस बात को नहीं मानता, तुमको ये सब कैसे पता? कवच वाले मॉन्स्टर ने बताया, असल में वो इजोजो का साथी है। क्या, इजोजो का साथी? हाँ, मुझे 00 नेटवर्क से गुप्त जानकारी भी मिली है। हाँ, जरूर, तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, हम क्यों भरोसा करें? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है प्रो? इन्हें 00 नेटवर्क की गुप्त जानकारी दिखाओ। ठीक है बॉस, मैं दिखाता हूँ तुम सबको। ये बागोगो की स्पेस बुक। सच में तुम्हें जानकारी इस तरह मिलती है स्पेस बुक की जासूसी करके? एलियंस का भी सोशल मीडिया होता है, इसलिए उनकी जानकारी आसानी से मिल जाती है। हाँ, याद रखना बच्चों, कभी भी सोशल मीडिया पर अपने पर्सनल डिटेल्स शेयर मत करना, नहीं तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। लो ये देखो। हाँ, ये अलग क्यों लग रहा है? उसने खुद को अपग्रेड करवाया है, ये और ताकतवर बन गया है, इसीलिए हमें साथ काम करने की जरूरत है। जरा ये देखो बोबो बॉय, टॉम ने कहा उसका पापड़ बना देना। ओह नो, ये तो असली है। बागेगे ने कहा तुम्हें हमारे लिए बदला लेना होगा। हाँ? कवच वाले मॉन्स्टर ने उसका हौसला बढ़ाया है, लिखा है लड़ते रहो दोस्त। ये तो खतरनाक है, वो लोग कब पहुँचने वाले हैं? हाँ? है? एक अपडेट है, मैं पृथ्वी पर आ चुका हूँ, तैयार हो जाओ बॉय। हाँ? लगता है किसी ने हमारा ऊपर से फोटो लिया है। Thank you.
अब हम क्या करेगा बोबो बॉय? अब और कोई रास्ता नहीं है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अडूडू फिक्र मत करो बोबो बॉय, हम साथ में रहेंगे और लड़ेंगे। फैंक कहाँ है? हम कब से उसे कॉल कर रहा है पर वो जवाब नहीं दे रहा। मैं वापस आ गया हूँ बोबो बॉय। Obviously outstanding prime space indestructible exoskeleton yani Oopsy. तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तुमने अपने कवच का नाम उपसी रखा है। अच्छी बात है ना, उसके रोबोट्स का नाम है डेजी और कवच का नाम है उपसी, उपसी डेजी। तुम्हारी इतनी हिम्मत की मेरा मजाक उड़ाओ। फिक्र मत करो बॉस, हम छह हैं और वो बस एक। इसने कहा कि मैं अकेला आया हूँ। पांच पांच डेजी रोबोट्स, हम इनसे लड़ेगा कैसे? तबाह होने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो कौन है? कौन? तुम तो वो ऐसा नहीं हो सकता। हमारी मदद करने आया है। पर मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मदद करने आया है। हाँ? फैंग क्या कर रहा है? या? फैंग? हे फैंग, तुम हमारे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? फैंग, संभल कर! फैंग हमें नहीं सुन पा रहा। ऐसा क्यों लग रहा है कि फैंग उन्हें जानता है? यहाँ चल क्या रहा है? वो किस बारे में बात कर रहे हैं? हे रुको, मैं उन लोगों को पहचानता हूँ, पर ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता? वो है कौन? वो तो है कैप्टन काइजो। क्या? कैप्टन काइजो? वो मशहूर विद्रोही काइजो? हाँ, पर वो यहाँ कर क्या रहा है? हाँ?
वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। वो इसी तरफ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे अडूडू? मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। क्या तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने कहा था हम साथ में लड़ेंगे। वो तो तब था जब हम इजोजो से लड़ने वाले थे, पर कैप्टन काइजो से नहीं। चलो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है बॉस, हम यहाँ से चले। एक नंबर के डरपोक है। फैंग, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? ये लोग हैं कौन? ये तो इंसान जैसा लगता है। तुम हमसे क्या चाहते हो? क्या तुम इसी बच्चे की बात कर रहे थे फैंग? हाँ, यही है वो। क्या? मैंने क्या किया? और यही इन बच्चों का लीडर है ना? ये सब क्या है फैंग? हाँ, जवाब दो। शांत, सही कहा कैप्टन। तो ठीक है, गुड मॉर्निंग अर्थ चाइल्ड, मैं हूँ कैप्टन काइजो और ये है लेफ्टिनेंट लहार। मुझे भूख लगी है। आखिर तुम चाहते क्या हो? ओह, अच्छा सवाल है। हमें तुम्हारी सारी ताकत हासिल करनी है। हाँ, हमारी ताकत हम नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें लगा हम इतनी आसानी से दे देंगे? ले लो, हम तो बस उधार लिया था किसी से। ये हमारी ताकतें हैं, हम इन्हें तुम्हें क्यों दे दें? तुम समझ नहीं रहे, कैप्टन काइजो को ये ताकत एक खास मिशन के लिए चाहिए। कैसा मिशन फैंग? तुम उनकी मदद क्यों कर रहे हो? जवाब दो मुझे, तुम तो हमारे दोस्त हो। ओह, लगता है तुम्हें ये बात नहीं पता। फैंग तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो हमारी स्क्वाड का जासूस है। तुम्हें धोखा दिया गया है। क्या ये सच है फैंग? मैं इन्हें अपना असली नाम बताओ। तुमने अपना नाम तक छुपाया? हाँ, मेरा नाम फैंग नहीं है, बल्कि मेरा नाम है पांग, प्राइवेट पांग। अगर पहचान छुपानी थी तो कोई अच्छा नाम रख लेते। पांग इंसान नहीं है, वो भी एक एलियन है मेरी तरह। हाँ, फैंग एक एलियन है। हे, पर तुम तो इंसान लगता है ना? हाँ, यही तो हमारा प्लान था। बुबो बॉय, जल्दी से अपनी ताकतें दे दो, नहीं तो क्या करोगे? नहीं तो पांग तुम्हें सबक सिखाएगा। क्या? कैप्टन, हमारे बीच ये समझौता नहीं हुआ था? हमारे बीच और समझौता? तुमने इनके साथ कुछ ज्यादा वक्त बिता लिया है, तुम्हें अपनी वफादारी साबित करनी होगी इन सबको हरा कर। हाँ, पर कैप्टन। पांग, मैंने कहा हराओ इन्हें। ठीक है कैप्टन। फैंग, उसकी बात मत सुनो। शांत हो जाओ, शैडो का हमला। तो ये तुम्हारी नई ताकत है, क्या बात है। हे, क्या तुम भूल गए हो तुम कौन हो? अब बहुत हो गया है फैंग। ना मुमकिन, तुम्हारा फैंग सिर्फ मेरा हुक्म मानता है। हाँ, बहुत हो गया बोबो बॉय, इसे वश में कर लिया गया है। कैप्टन काइजो पर हमला करो। समझ गया बोबो बॉय, बिजली का तूफान, बिजली की धार, शैडो कवच। ये क्या कर रहे हो फैंग? तुम उन्हें बचा क्यों रहे हो? माफ कर देना बोबो बॉय। शैडो का हमला। तुमने अपने ही दोस्त पर हमला किया। हमें बुबू बॉय का मदद करना होगा। चलो हैना, चलो। दखल मत दो। ये क्या, कुछ हमें रोक रहा है? ये कोई फोर्स फील्ड लगता है। अगर तुम सच में लड़ना चाहते हो जाए। मुझे चैलेंज मत करो, शैडो टाइगर। हमला, बिजली की धार, शैडो ईगल, हमला। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम गए। हाँ, तुम इतने दिनों से दिखावा कर रहे थे,
मिशन पर हूँ, तुम लोग नहीं समझोगे। अब और कोई रास्ता नहीं है, तैयार हो जाओ फैंग। आ जाओ, मैं तुम्हें अपना नया मूव दिखाता हूँ। हाँ, एक नया मूव? हाँ, नया मूव। शैडो कोला। कितना क्यूट है, कोआला कर भी क्या सकता है। उसे गले लगाओ शैडो कोआला। छोड़ो, मुझे जाने दो। अब इसके लिए तैयार हो जाओ, शैडो पोलर बैर। शैडो पोलर बैर के पंचों का हमला। ओह, बहुत बढ़िया। खेलो मुक्का। खेलो। तुम्हारे पास और भी ताकतें हैं? ये मेरी असली ताकतें हैं, समझ गए? भेदने की ताकत। ओ, भूत। क्या कहा तुमने? मतलब उसके नकाब में ही सारी ताकत थी। तो अब ये एक भूत है, वो भी झूठा भूत। तुम्हें जो समझना है समझो, मैं तुम्हें हरा कर ही रहूँगा। भेदने की ताकत। जमीन के खम्भों की रुकावट, अब तुम नहीं बचोगे। शैडो उंगलियों का हमला। बोबो बॉय पानी, लहरों की ताकत। लगता है तुम एक बार में सिर्फ एक ही ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो। देखते हैं कि तुम मेरे अगले दावों से कैसे बच पाते हो। तो हो जाए बोबो बॉय आग, आग की चक्री। भेदने की। तुम्हें लगा कि तुम्हारी भेदने की ताकतें तुम्हें बचा सकती हैं? अब तुम गए काम से। शैडो हमला। तूफानी तेजी। शैडो टाइगर के पंजों का हमला। तूफानी धार की तेजी। मत करो बाबू बॉय। बस करो, तुम दोनों दोस्त हो। Hmm.